कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वहीं सामाजिक सेवा संस्थाएं अब इस मुहिम में साथ खड़ी हो रही हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों का भी समर्थन इस मुहिम को मिलने लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भाजपा के पूर्व विधायक, जिला बार संघ के अध्यक्ष और सदस्य सहित अनेकों संस्थाओं के सदस्य आज जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सांसद, प्रभारी मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जिला जन अधिकार मंच और कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन दोनों ही संस्थाओं की मांग अब अपना रौद्र रूप लेने लगी है। मेडिकल कॉलेज की मांग राज्य सरकार से लगातार की जा रही है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन खुलकर सामने आई हैं, तो जिला बार संघ ने अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है। आज कटनी की जनता, समस्त राजनीतिक दल, समस्त सामाजिक दल एकजुट होकर कटनी के हित के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी पहली प्राथमिकता जनता रहती है। जो जनता के हित में काम करता है, वही सच्चा राजनेता है। ये ज्ञापन जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। इसमें शहर की कई मांगे हैं, इसमें कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने संबंधी है। तो ये ज्ञापन है संबंधित जो जिनको संबोधित है माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को, वहाँ तक हम ज्ञापन हम जो है पहुँचा दें।